नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और किस्सा पुराण में आप सभी का स्वागत है। द्रौपदी पांचों पांडवों की रानी थी। वो खूबसूरत और उदार थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर ज्यादा की जाती है। वो एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रहती थी। द्रौपदी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। आइए जानते हैं द्रौपदी से जुड़ी एक दिलचस्प बात। द्रौपदी संयोग से पांचों पांडवों की पत्नी नहीं बनी थी, बल्कि सब कुछ पूर्व निर्धारित था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि पूर्व जन्म में उसने मन भावन वर की प्राप्ति हेतु शिव की आराधना की थी। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने 14 गुणों वाले वर की कामना की थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान शिव ने द्रौपदी को बताया कि किसी एक इंसान में इतने सारे गुण एक साथ होना संभव नहीं है। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और भगवान शिव से 14 गुणों वाले वर का वरदान देने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि उन्हें अगले जन्म में 14 पतियों के रूप में मनचाहा वरदान मिल जाएगा। द्रौपदी पूर्व जन्म में नल और दमवंती की पुत्री नलिनी थी। द्रौपदी ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा वर मिले जिसके अंदर कम से कम ये 5 गुण मौजूद रहें: धर्म, शक्तिशाली, धर्णुधर में पारंगत, धैर्य और रूपवान। द्रौपदी ने इतने सारे गुणों वाले वर की कामना की थी। भगवान शिव के इस वरदान के बाद द्रौपदी ने पूछा कि ये वरदान है या फिर अभिशाप। फिर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो हर दिन स्नान के बाद पवित्र हो जाएंगी। द्रौपदी ने जिन 14 गुणों की कामना की थी, ये सभी पांचों पांडवों में मौजूद थे। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल और अर्जुन साहस, जबकि नकुल और सहदेव रूपवान गुणों से युक्त थे। इस तरह पांचों पांडवों में सामूहिक तौर पर सभी 14 गुण मौजूद थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही ये वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।